गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको एक नया व्लॉग में। अभी हम लोग है हुस्कोटी टोल पर और ये रही हमारा बाइक राइडर्स, हमारे दोस्तों। लगभग 6:30 बजे तक हम लोग आ गए थे, तब तक पूरा अंधेरा था। अभी तो सूरज निकल चुका है और ये रही कुछ बाइक। ये मेरा थंडरबर्ड, ये रही 390 एडवेंचर, वो है निंजा, वो है GS, उसके बाद ट्रायम्फ, CB, सब मोटा मोटी ठीक ठाक बाइक है। एनीवेज चलते हैं अभी नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट तक। मीटिंग पॉइंट नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट पॉइंट तक। तो गाइस, प्लान चेंज। हम लोग जाने वाले थे स्वाति, जो कि लगभग 40-45 किलोमीटर था यहाँ से, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तो लोगों के मन में कीड़ा जाग गया कि हम स्वाति में नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे मूलबगल। और मूलबगल है लगभग 70 किलोमीटर दूर यहाँ से। पता नहीं उसके बाद दोबारा आयरो जाएंगे कि नहीं, शायद वहां से बहुत लोग वापस चले जाएंगे। हम देखते हैं क्या करते हैं। अगर लोग जा रहे हैं तो हम जाएंगे, नहीं जा रहे तो नहीं जाएंगे। अभी बिग रॉक डॉट पार्क में कुछ फंक्शन है, इसलिए सब मोटर क्रॉस बाइक इधर ही पीछे खड़े हुए हैं। टोलर में ही बिग रॉक डॉट पार्क, सो इन केस यू वांट टू लर्न सम डॉट बाइक राइडिंग स्किल्स, मोटर क्रॉस, ऑफ रोड, दैट्स द बेस्ट प्लेस यू कैन गो एंड ट्राई आउट। ऑफकोर्स इट्स चार्जेबल। इवन आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं उधर जाके थोड़ा ट्राई करूँगा। अभी थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहे हैं वहाँ पर। और मॉर्निंग बाइक चलाने का अलग ही मजा है। इतना सुंदर हवा है इधर दोनों तरफ, खुला खुला हवा, बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया। बाइक राइडिंग तो यही मजा है। कार में जाओगे बंद रहेगा, शीशा ऊपर रहेगा, एसी का हवा खाओगे, पर बाइक में इट्स अलग फीलिंग। इसलिए मुझे बाइक बहुत पसंद है। सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से कार इज बेटर, बट इन केस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एंजॉइंग, देन ऑफ कोर्स बाइक इज बेटर। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स टू इट। क्या नजारा है, ये नया रोड बना है, पता नहीं ये रोड कहाँ जा रहे हैं, तो नजारा देखो आप, क्या मस्त फीलिंग है, पूरा नेक्स्ट लेवल। ये है ब्रेकफास्ट पॉइंट, छोटा छोटा ब्रेकफास्ट पॉइंट यहाँ पर। ये कोला डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम लोग जस्ट कोला डिस्ट्रिक्ट में एंट्री किए। और देखो भाई, रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। और वो छोटा छोटा जो ब्रेकफास्ट पॉइंट था, वहाँ पर बिरयानी मिलता है। और कोलार में जो बिरयानी मिलता है, मैंने कोला नहीं, हुस्कोटे में जो बिरयानी मिलता है, वो सुबह 4 बजे मिलता है। और इतने भीड़ लगता है कि लगभग 7 बजे बिरयानी खत्म। हुस्कोटी मरीज दम बिरयानी आई थिंक जो नाम है, आई एम नॉट श्योर, मैंने एक बार गया था, बट बिरयानी मस्त है, किसी किसी मटन बिरयानी, अलग ही फीलिंग है उसका। चेक आउट दिस, देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक ओवर हियर। थोड़ा थोड़ा माउंटेन्स है और ये लेक, इसका पता नेम पता नहीं, पर इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। बैंगलोर में आप ऐसा बहुत सारा लेक देख पाओगे, और बैंगलोर के बाहर तो और ज्यादा लेक है। दिस वाज द ओरिजिनल प्लान टू हैव ब्रेकफास्ट ओवर हियर द स्वाति होटल। मैंने यहाँ पर लगभग 10 बार ब्रेकफास्ट किया है। दिस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट फॉर बाइक राइडर्स टू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट एज वेल एज पीपल हु आर ट्रैवलिंग ऑन दिस साइड। छोटा सा लेक है वहाँ पर, माउंटेन है थोड़ा, इधर एक ऑफ रोड ट्रेल है। तो मैंने सोचा है जब मैं नया बाइक लूंगा तो मैं अकेला आऊंगा यहाँ पर। तो ये रही कोलार। अगर आप KGF मूवी देखे हो तो पहले तो वो देखो। और KGF मूवी में जिस जगह का बारे बोला है कोलार गोलफिल्स, वो यही है। आगे का ही कोलार गोलफिल्स है जो मैंने किया नहीं है, और यही है कोलार। ভিডিও বানাতে বাজা আসছি ওই জন্য টাইম লাগছে।
चलो हम लोग आ गए हैं। चलो अभी लोग रुके थे मेरे लिए, मेरा बाइक तो बहुत स्लो चलता है इसलिए रुके थे। जी डी यही पॉइंट है, मूल बगल दोस्तों कॉर्नर, हाँ यही पॉइंट है, सब लोग यही खड़े हैं। चलो बाइक रखते हैं, कहाँ रखे बाइक, कहाँ रखे बाइक। कुछ बेटा अच्छा तुम्हारे बड़ी अच्छे ऑनलाइन है चलो ब्रेकफास्ट खत्म, अभी निकलते हैं दोद्दा आयूर के लिए। 50 किलोमीटर यहाँ पर, यहाँ से और हमको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। बड़े मज़ेदार जगह था, थोड़ा क्राउडेड था, डोसा घी से भरा हुआ था, टिपिकली इट विल रिमाइंड यू ऑफ रामेश्वरम कैफे। आगे हम लोग कहाँ से हमको हाईवे छोड़ गए, राइट लेना पड़ेगा, इधर लेफ्ट लेना पड़ेगा, हम तो घुमा के खड़े हैं, बाकी राइडर्स पीछे हैं और कुछ राइडर्स यहाँ पर हैं। ये नया ग्लव्स पहन के मेरा हाथ पूरा सुन हो गया। ये मैंने नया ग्लव्स लिया वेट्रा का, करीबन 6,500 लिया, फुल कॉन्टेक्ट ग्लव्स, पहली बार पहन रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा दर्द हो रहा है। छोटा गांव है यहाँ पर, ये बिछाया हुआ है, तो क्या है शीप है। अच्छा, एक कनाडा का छोटा छोटा गांव है। ये रही रोजमर्रा का जीवन, इसका बैंगलोर का अलग लाइफ होते हैं। मैप मैप ये देखो, भैंस आई यहाँ पर, भैंस का बहुत बड़ा सीन होता है, भैंस क्या गाय का भी बहुत बड़ा सीन, और ये लोग सब यहाँ पर ही है। तो खेती बाड़ी हो रही है, बैंगलोर का जो भी वेजिटेबल सप्लाई होता है यहीं से होता है। ये देखो सारे फार्मिंग, तो घर के बीच में जा रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं भगा देगा भाई कहाँ पर। देखो यूरोटे का यूटर्न, लोग का घर के बीच में आ गए, एक कोठाई ढुकी दिच्छे लोग घर है बिचड़े। अब मैं लोगों का घर के बीच में घुस गया, लोगों का घर के बीच में घुस गया।
पहले आराम से देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। Where are we going? Dudhayuru. The location. What? The same location, the map. Location, in location nothing is there, I think. What? What do we have in location? Is it a hill or is it some temple or something should be there, no? Yeah. Nothing is there in the location. That is what I am telling. Let's decide. गाड़ी घुड़ाओ। मेरा रोड कच्चा है, मेरा शॉकर खटखट से आवाज़ कर रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर चलाना एक बेटर आइडिया है। कोई बिल्डर ने इधर से रॉक कट के लेके गया था, फिर ऐसा बन गया। हाँ, ऐसे बना था, उसकी हिस्ट्री पढ़ा मैंने। Yeah, this is a quarry. It's not a natural this thing. This of course, this is a granite quarry. This is a quarry. Quarry is a job by उधर से पत्थर वत्थर कटा था तब जाके गया। नाइस। मेरा अपार्ट में पानी नहीं आ रहा, काश यहाँ से पानी आता। डेली 5,000 का 10,000 का टैंकर लग रहा है। पानी अच्छा नहीं है। I mean, I read that you should not swim more in it. कैसे नीचे जाओगे कैसे? ना इटा तो पूरे हुई। How do you plan to go? Still अच्छा ना इटा। Still water ना, it's not good. It's poisonous. हाँ? ऐसा नहीं कि swim कर सकते इसमें। Is a rare. It's a rare one. So there is this a similar quarry on near in Chekballapur, near this Adiyogi yes. place. Yes, yes. There is something in the mineral or something. The Jordan turquoise blue water. Yes, yes. Okay. I've seen. The turquoise blue water. जाते वक्त लाइट में पड़ता है ना, I've seen. किसी ने beer bottle फेंक दिया. So it's beautiful. I mean, you can if you go there at the right time of the day and take a pic. You can pass that off for Santorini or Indian Mike or something. I'm in Paddy Slum. It was a short and wonderful ride. Chalo, bye bye. Tum dada bhai amar jonno. तो हो गया हमारा छोटा सा राइड और मजे, बहुत मजा आया इस राइड पर। छोटा ग्रुप रहता है तो मजा भी आता है, बड़ा ग्रुप रहता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू तक। तो अभी चलते हैं।
घर पर, और फिर मिलते हैं एक और नया ब्लॉग में। चिल्ड्रन ओके बाय एंड थैंक यू।